नमस्कार, मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट जबलपुर से, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन एंड जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में। तो आप जैसे सभी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट आज कितना बेहतरीन कोर्स के रूप में डेवलप हो चुका है, और ज़्यादातर लोग अगर बहुत जल्दी कैरियर बनाने का सोच रहे हैं, एक अच्छा अगर पैकेज डिमांड करते हैं, तो हम हमेशा सभी को कहते हैं कि आप वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर बने। इसमें आपको अपने शहर में भी काफ़ी अच्छा जॉब मिल जाता है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और आपका टेक्निकल साइड अगर किसी कारण से थोड़ा सा वीक भी रह गया हो तो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम कंपैरेटिवली आप बहुत जल्दी आराम से सीख सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग के इस लाइन में ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, इन लैंग्वेजेस का काफ़ी इसमें बोलबाला रहता है, और जिसमें ज़्यादातर जो हमारे MP लेवल की बात करें तो PHP में काफ़ी डेवलपमेंट का बोलबाला है, जिसमें लारावेल फ्रेमवर्क भी काफ़ी जो है चर्चित में रहता है। इस वीडियो में मैं आपका ध्यान एक और एप्लीकेशन की तरफ ले जा रहा हूँ, जिसमें आज वेबसाइट डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो गया है, और यह है पाइथन। पाइथन जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत नामी लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में आपको कम कोडिंग्स के अंतर्गत ज़्यादा अच्छे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जिसमें आप फ्यू लाइन्स ऑफ कोड्स के द्वारा बहुत अच्छे जो एप्लीकेशन से बना सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट को प्लान कर रहे हैं, तो आप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस मान के इस पर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इस पर डेवलपमेंट करने के लिए आपको जिस फ्रेमवर्क में काम करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क जो है ये वर्तमान में काफ़ी एक उन्नत फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये फ्रेमवर्क इस समय बहुत सारे बड़ी कंपनीज़ के द्वारा भी यूज़ किया जा रहा है वेबसाइट बनाने के लिए। तो इन कंपनीज़ में जैसे मोज़िला की हम बात करें, पिंटरेस्ट की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, स्पॉटिफाई की बात करें, ड्रॉपबॉक्स की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो जेंगो फ्रेमवर्क से अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर रही है, जेंगो फ्रेमवर्क से जिनने वेबसाइट्स को बनाए हैं। तो जेंगो फ्रेमवर्क के जो कि पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आप यूज़ करें क्यों? तो मैं इस फ्रेमवर्क को इसलिए आपको यूज़ करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में सबसे बड़ी जो बात है वो है कि ये एक खुद में फुल फ्लेज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इस फ्रेम में आप इंटरफेस, एडमिन पैनल, वेब ब्राउजर्स, कोड एडिटिंग टूल से वेब ब्राउजर टेस्टिंग आदि आप आराम से कर सकते हैं। ये डेटाबेस भी बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है आपको, अगर टाइम इश्यूज है, अगर आपको कम टाइम और कम कॉस्ट में अगर आप किसी वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, तो जेंगो इज़ वेरी गुड फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आप डेवॉप्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि डेवॉप्स का काम होता है बग्स को फाइंड करना, तो बग्स फाइंडिंग को अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो आप डेवॉप्स के द्वारा ये काम कर सकते हैं, और जेंगो फ्रेमवर्क डेवॉप्स मेथोडोलॉजी को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो आप डेवॉप्स के द्वारा बग्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को जल्दी जो है वो लाइव कर सकते हैं। बात अगर सिक्योरिटी की हम करते हैं तो जेंगो सिक्योरिटी में बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज वेबसाइट्स में बहुत सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस को देखकर साइबर अटैक्स किए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी हैक्स किए जाते हैं, जिसमें SQL इंजेक्शन एक बहुत बड़ा संकट के रूप में वेबसाइट डेवलपमेंट साइट में, साथ ही साथ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी की जाती है। तो अगर आप अपने वेबसाइट्स में साइबर सिक्योरिटी को जो है वो परफेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पे हमले ना हो, तो आप जेंगो से काम करें, ये काफ़ी सिक्योरिटी आपको देता है। इसका जो वर्किंग पैटर्न है वो बहुत आसान है। आप अगर एक न्यू प्रोग्रामर है और अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो जेंगो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं सीखा तो पाइथन बहुत सीखने में आसान है, तो जेंगो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करना है। वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन एंड जेंगो ये 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो चुका है। तो अगर आप अपने करियर को बहुत जल्दी ग्रूम करना चाहते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो आप पाइथन और जेंगो वेब डेवलपमेंट को जरूर करें। और मैं अमित सर, आज के वीडियो इस वीडियो में इतना ही। तो विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस परिवार की तरफ से हर रोज आपको टेक्निकल जो है वो ज्ञान दिया जाएगा, तो आप ये टेक्निकल चीज़ें हमसे समझें, नए नए चीज़ों को समझने के लिए हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए कोर्सेस अगर आप करना चाहें, अगर आपको प्लेसमेंट से
आईटी इंडस्ट्री में चाहिए तो इसके लिए विस्तार सभी प्रकार के प्लेसमेंट सर्विस से प्रोवाइड करता है। हर तरह की ट्रेनिंग्स हम आपको देते हैं प्लेसमेंट्स के साथ और इंटर्नशिप के साथ। तो विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर की तरफ से मैं अमित सर आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए लेकर आपके सामने जरूर आते हैं। धन्यवाद।